दे केम ऑफ बट फॉर सेंटर वारंटी, तो वो चेंज कर रहा भैया। ये देखो गाइस कावासाकी की R15। हाँ तो भाई मयंक भैया कब लेकर आ रहे हो यार दोबारा एक और बाइक की डिलीवरी के लिए? 10 hour उठा ले यार मयंक भैया। सो गाइस बाइक की अपनी सर्विस हो गई है, जा रहे हैं बाइक के पास। बिल आया अपना कुछ 1 lakh rupees का। तो भाई फाइनली वो बाइक हमने ठीक करा ली थी एंड आज है इसकी बारी। मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था अब इसको लेकर जाएंगे सर्विस पर। इसका टेम्परेचर एक बार 50 से ऊपर चला रहा है, देन हम उसके बाद इसको लेकर चलेंगे। मतलब उसके बाद आप थोड़ा बहुत रेप वेप और चला सकते हैं इंजन को। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मेरा नाम है सौरभ एंड आप लोग देख रहे हो ये वीडियो। तो गाइस जैसा भी मैंने आपको बताया था, मैं इसको लेकर जा रहा सर्विस सेंटर, कावासाकी के सर्विस सेंटर दिल्ली वाले में, विच इज़ छतरपुर आई गेस। हाँ मतलब जहाँ से बाइक ली थी हमने उसी शोरूम के नीचे सर्विस सेंटर, तो वहाँ जाकर बस ये पहली सर्विस। 1000 kilometers हो गए और महीना भी हो गया, दोनों साथ साथ ही हो गए। मेरा एक्चुअली ना बीच में बारिश वारिश भी काफ़ी होने लगी एंड मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए नहीं तो अपना गोल पहले यही था यार कि 1 महीना होने से पहले इसके 1000 kilometers पहले पूरे करवा कर एंड देन सर्विस करवा लेंगे। बट फिर वही सीन है, तो बीमार बीमार हो गया यार, बारिश वारिश आ गई, तो वो प्लान थोड़ा अधूरा सा रह गया। दो एक दिन पहले मैंने किलोमीटर पूरे कर लिए थे बट फिर उसके बाद बारिश आने लगी एंड ये होगी पंचर बहुत बुरी तरह। और नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया, उसके बाद पंचर हो गया एंड बारिश आने लगी बहुत बुरी तरह। हाँ अब ठीक है। तो अभी जा रहे हैं, आज है सैटरडे, बस जा रहे हैं अभी एंड अभी इसकी सर्विस सर्विस करवा कर यार देन निकलेंगे फिर फटाफट एंड देन फिर इसको कल राइड पर लेके जाएंगे, तो बाइक का एक्चुअल पोटेंशियल हमें मिल जाएगा आज सर्विस के बाद। एंड अभी बस निकल रहा है, अभी पिद्दी अपना आगे वेट कर रहा है, अब वो आया हुआ है एंड आज हम जा रहे हैं बिना जैकेट के, क्योंकि जैकेट मैंने धुलने के लिए डाल दिया। हमेशा गलत टाइम पे याद आती है मुझे जैकेट धोनी है, एक जैकेट और चाहिए अपने को। कमेंट्स में बताना गाइस कौन सी जैकेट लेनी चाहिए। बिना जैकेट के मैं बाइक उगा रहा, लोगों को मैं छपरी लग रहा हूँ। कोई नहीं, एक दिन के लिए सह लेते हैं, सी 900 वालों को वैसे भी लोग थोड़ा महंगा छपरी बोलते हैं। मैंने एक ना लेवल सेट हो रखा है छपरियों की, स्टार्टिंग जैसे होती है R15 से, R15 है, MT है, ठीक है, आजकल तो बुलेट में भी घुस रहे हैं भाई छपरी लोग। देन उसके बाद आती है भाई थोड़ा सा ऊपर लेवल KTM, ठीक है, एंड KTM के बाद भाई सीधा Z900। बट Z900 में जो सिर्फ रेड वाला कलर आता है ना वो छपरी है, बाकी सारे सही हैं। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है नहीं होता, बट मेरे साथ थोड़ा ऐसा सब है, बिना हेलमेट और बिना प्रॉपर पूरे राइडिंग गियर से मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं आता भाई व्हीकल चलाने में, मतलब बाइक चलाने में। उन्हें शायद थोड़ी आदत सी होगी ना, अपने ग्रुप में जो हैं भाई अपने एडमिन्स वगैरह ने आदत ख़राब करवा दी। पहले तो भाई लोअर और शर्ट पहन कर निकल आता था भाई, एंड इसके फर्स्ट सर्विस के बाद फिर उसको चलाकर देन भाई एक प्रॉपर पूरा रिव्यू वीडियो बनाएंगे इसका, कि अभी तक अपने को बाइक कैसी रही अपने लिए, कैसा अपना एक्सपीरियंस रहा है बाइक के लिए, ओनरशिप एक्सपीरियंस कितने की पड़ी थी अपने को, सारा सब कुछ। ये रहा गाइस पिद्दी, वो देखो कैसे छपरियों की तरफ आ गया, पैर देखो ससरे का, फिर बोलता भाई मेरे को ऐसे मत बोला करो। तो भाई माजिद, मैं ये मेरे को छपरी बोल रहा था, मैंने कहा भाई मेरी संगत ऐसी है, तो ये कह रहा है भाई हबीब और माजिद के साथ मत रहा, वो दोनों छपरी है। हाँ तो देख लियो माजिद भाई जो करना हो इसका ना कमेंट्स में ले लियो उसको। बंदा मेरे को कह रहा है रेस हो जाए, मैं निकाल ले भाई आगे। हाँ तो गाइस ये बीच बीच में प्रोवोक कर देता मुझे गाली देने के लिए, इस गधे की वजह से मेरा बहुत ख़राब हो रहा है। पहुँची भाई हम लोग सर्विस सेंटर, यहीं से बाइक उठाई थी हमने ऊपर से, अब सर्विस करानी है नीचे, यही शोरूम था। हाँ तो भाई मयंक भैया कब लेकर आ रहे हो यार दोबारा एक और बाइक की डिलीवरी के लिए? 10 hours उठा ले यार मयंक भैया, क्या सेक्स लग रही है उनको, वैसे भी यही बाइक तो पसंद आती है उनको, फेयरिंग वाली है, अलग ही प्यार है भाई फेयरिंग से। बाइक पे पर अपने बाइक का काम शुरू हो गया, तो जैसे भी जो भी सीन होता है मैं बता दे रहे हैं टाइम के साथ। क्या बोलना चाहेगा बिद्दी? ऑल गुड। हाँ तो भाई कहाँ गया ससुरा? ये ससुरे ने बोला था व्लॉग बनाने जाऊँगा मैम, और क्या कर रहा है ये? चाय गाइस हो रहा ऑल चेंज।
भाई 3.6 लीटर आता है इसके अंदर, जी के है, बढ़ा लो। हम डलवा रहे जेन्युइन, जेन्युइन वाला ऑयल। ये देखो कलर देखो, क्या लॉजिक लगा रहा था। कैसे चेक करते हैं विस्कोसिटी? कैसे चेक करते हैं विस्कोसिटी भाई? ऑयल कैसे चेक करता है? विस्कोसिटी कैसे चेक करते हैं? मैं विस्कोसिटी की बात नहीं कही, विस्कोसिटी ऑयल कैसे चेक करते हैं? चुप कर, फिजिक्स की। हाँ तो गाइस, हम लोगों का ना एक डाउट था कि जो स्पोर्ट्स कार वगैरह होती है उनमें जो पहली सर्विस होती है उस पर ऑयल चेंज होता है नहीं होता, तो हम वही डिस्कस कर रहे थे। अब ये तो हमें पता नहीं, अब वो जब मैं भी स्पोर्ट्स कार लेंगे तो हमें पता चलेगा। तो गाइस कमेंट करके बता देना, मतलब कमेंट करके थोड़ा प्रोवोक कर देना भैया को, स्पोर्ट्स कार ले लें और फिनिश भी कर देना, हाँ, ताकि हम ब्लॉग बना पाए उसका और फिर बीच बढ़ता है, हमें भी चलाने को मिले। चलो भाई लोग वापस चलते हैं शोरूम में, इतनी कोई बाइक खरीदने जा रहा है। कह रहा है कावासाकी नहीं लेनी, बीमर लेनी है सिर्फ। तो कावासाकी के शोरूम में क्यों जा रहा है? ये देखो गाइस, कावासाकी की R15 ज़ीनोसो अपनी वाली बेटर है। क्या हो गया तेरी कमर से ऊपर जा रही है इसके पीछे वाली सीट? अबे सारी गाड़ी ऊपर जा रहा है, ये देख बैठ रखे सवारी, पैर तो बचा अपने। सारी गाड़ी बेसी कराऊं और क्या। वाह तो सदर पीछे की बैठा, जब पैर फोल्ड करके बैठना था तो उस पर लसूड़ी है। ये देखो गाइस इतना पैर तो पहुंच नहीं है, गिरने के लिए तो इतने काफ़ी हैं। ये देखो गाइस लड़क छोटी नार सुपर रेयर हो गए, तो पहले काफ़ी दिखती थी, अब नहीं दिखती। क्या यार हमें मना कर दिया कि भाई ब्लॉग व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करना, तो ठीक है मैं सारा सब कुछ देखा ना आपको बिल लास्ट में बता दूंगा भाई क्या क्या सारा सब कुछ चेंज हुआ, वहाँ क्या क्या सारी चीज़ें चेंज हुई उसमें गाले वाले नहीं देता भाई। एंड फिर उसके बाद मैं आपको बिल दिखा दूंगा एंड पहली सर्विस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्या करवाया है हमने, क्या नहीं करवाया, आप क्या करवा सकते हो वगैरह, मैं आपको बाहर चल के बता दूँगा सर। ठीक है यहाँ पर तो रिकॉर्ड कर नहीं दे रहे खुदू, नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा सर्विस सेंटर पर रिकॉर्ड क्यों नहीं कर देते, कहीं कहीं आप गलती से ये ना देख लो कि हम क्या रिकॉर्ड करके हम कैसे सर्विस कर रहे हैं, कहीं गलती ना हो जाए और तुम्हारा प्रूफ ना हो किसने किया। तो साले CCTV फुटेज भी देंगे थोड़ा, ये क्यों नहीं देंगे, उससे पुलिस से ऑर्डर लेकर आए भाग भाग कर देंगे। ये चल रहा भाई अपना हाथी, तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती ये बता दे तू बस। पेमेंट वेमेंट हो गया गाइस, सॉरी जैसे वो भी सीन है मैं आपको अभी चलकर बताता हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा कैसे क्या सर्विस में कितना गया आपका। हाँ सो गाइस बाइक की अपनी सर्विस हो गई है, जा रहे हैं बाइक के पास, बिल आया अपना कुछ 1,00,000 रुपए का। फक ब्रो इतने में तो एक डोमिनार आ रहा थी, सेकंड हैंड थर्ड हैंड लगा लो यार। तो पहली सर्विस हो गई है इसकी फुल पावर, अब चलेंगे भाई पेल पेल, ऑल अनलॉक्ड, अब कोई इशू वगैरह कुछ नहीं है इसमें सच। आई होप ऑडियो रिकॉर्ड हो रही हो, मेरे को तो लग रहा है दोबारा दूसरा ही लगेगा इस पर। ठीक है भैया मिलते हैं कभी है। ओ भाई कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा भाई सर्विस के बाद, बच्चे भाई भाई बोल रहे थे मेरे को इतनी इज्जत मिलती है ना कभी कभार रोना आ जाता है। तो ये भाई इन भैया का भी एक चैनल है एक्स्ट्रा थ्रॉटल के नाम से, सब्सक्राइब कर लेना। ओके भैया मिलते हैं। नेक में पेन हो गया यार, हाँ पता नहीं क्या हो गया एकदम से। ओ BYD की गाड़ी सील खड़ी है यहाँ पे, वाह बहुत तो अड्डी है रेट्रो राइड। देखो गाइस बाइक अपनी ऑल सेट हो गया, तो मैं इसका बस एक बार टैंक पार्ट का पता करने आया था यहाँ पर। ये देखो ये वाला तो फिर भी थोड़ा बेटर है नीचे से ना, वो वाला चिपक ही नहीं रहा ढंग से। ये वाला देखो सही लगा हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं आ रहा इतना। क्या बस वो बंदा देखने आया था, तो गाइस वो बंदा देखने आया था उसने कहा अरे हाँ बोल तो सही रहे नहीं चिपक रहा, और वो चला गया। M2 नहीं तो बोल तो रहा हूँ तेरे को, वो बंदे आता तेरा वेट तो नहीं कर रहा ऊपर, देख लो भैया ऊपर से तो नहीं दिख रहा है चिपका हुआ है। ये क्या यहाँ से है क्या यहाँ पे क्या चीज़ है, ग्लू छूट रही है क्या इनको हुआ है
एक महीना भी शायद हुआ है, पूरा नहीं हुआ, एक महीना हो गया एग्जैक्ट, एक महीना हुआ है जिस दिन बाइक ली थी उसी दिन तो लेने आए थे यहाँ। तो अबे जिस दिन बाइक ली थी उसी दिन लगवाए थे, शोरूम में नहीं लगवाए थे ले जाके। बाइक एक महीना हो गया, एक अबे 28 से 29 को लिया बाइक, हाँ उसी दिन ये खरीदे हैं। ये देखो गाइस ओल्ड स्कूल मार्क, लुक्स ग्रेट। ये देखो कितने बुद्धू बैठ के रील ही देखता रहता भाई ये बंदा, रचा यहाँ चल रहा हमारा काम। बेसिकली जो टैंक ग्रिप्स थी वो दे केम ऑफ बट फॉर अंडर वारंटी, तो वो चेंज कर रहा भैया, रेट्रो राइट से लिया था भाई, सही है काम भैया ने एक बारी में बोल दिया करने को चेंज। टैंक पैड सही, ये भी हो गया सही। करोल बाग जाना था, मैं करोल बाग जाना था बट करोल बाग जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो करोल बाग चलेंगे फिर कभी। अब निकलते हैं वापस घर की तरफ। ओ और बाइक है, कुछ ज्यादा ही लाउड है भाई वो। मिलकर आता उस बंदे से, क्या हाल है ब्रो, ग्लव्स पहने उस बंदे ने। अब मैं निकल लेता अपना लेफ्ट, माय वर्क हियर इज डन। तो गाइस फिर से चेंज ऑफ प्लान्स हो गया, अब हम सोच रहे हैं कि हम इतनी पास आ ही गए हैं करोल बाग के, तो करोल बाग चल ही लेते हैं। हाँ तो गाइस रिकॉर्ड कर रहा ना, ये ग्लव्स लिए हमने कॉर्डा के एडवेंचर, मेरे को सही लग रहा था यार, मैंने उठा लिए। मेरे को शॉर्ट ग्लव्स चाहिए थे, हर जगह गॉन्टलेट पहन के जाने में ना बीटी हो जाती है थोड़ी सी। सो गाइस अब हम आ गए हैं घर पे, तो मैं अब आपको एक बार पूरा बिल दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें एडेड हैं, कितने की क्या क्या चीज़ लगाई है इन्होंने, एंड टोटल बिल ओवरऑल कितने का पड़ा, एंड फर्स्ट सर्विस में क्या क्या चीज़ें करवाई हैं मैंने। ये देखो गाइस वॉशिंग के हैं, ये वॉशिंग के ऊपर वाले, फिर जनरल इंस्पेक्शन, फर्स्ट सर्विस के जो लगे हैं ये आई गेस ये लेबर चार्जेस हैं दिस वन, फिर आपका चेन ल्यूब कितने हैं, कंज्यूमेबल्स कितने हैं, कंज्यूमेबल्स कौन से लगे थे इसमें आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, ये ऑयल फिल्टर के हैं, ये डला है आप इंजन ऑयल क्वांटिटी 4, ये चेन ल्यूब है और ये चेन क्लीनर है और ये गैसकेट, ठीक है ये इसका इतना, स्पेयर्स का इतना और लेबर डिटेल्स का इतना, तो आप ये लगा लो इन दोनों को ऐड करके मोटा मोटा कितना बैठ गया। तो ये बैठा गाइस देख लो, इसमें मैंने एएमसी वगैरह नहीं कराई थी तो जो फर्स्ट सर्विस का चार्ज पड़ा मैं इतना पड़ा है। एंड गाइस इसमें ना दो या तीन टाइप के इंजन ऑयल्स आते हैं इनके, जेन्युइन एंड प्रीमियम वाला। तो जो मेरे बाकी दोस्त हैं जिनके पास सेम बाइक है तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया कि मैं जेन्युइन वाले पर ही जाऊँ, प्रीमियम वाले की ऐसा कुछ नीड नहीं है इस बाइक में, एंड तो हमने जेन्युइन वाले डलवाया था, वो सही है काफ़ी, यू कैन गो फॉर इट। तो गाइस अब इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड ऑल्सो शेयर कर देना अपने बाकी दोस्तों के साथ जो प्लान कर रहे हो सुपर बाइक लेने का, जीनोसो लेने का, तो उनको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि भाई पहले सर्विस के अराउंड कितने क्या चार्जेस वगैरह जाते हैं एंड कितना क्या सीन रहता है। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सब्सक्राइब, पीस आउट। It hits me like a tidal wave.